मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट के तहत तुरंत हिमाचल प्रदेश का जो बाढ़ और बारिश के कारण जो प्रभावित इलाका है उसका सर्वेक्षण करने के लिए यहां दौरा करने के लिए यहां पर समय निकाला। मुझे दिल्ली में जाकर के उनके साथ बैठक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने सीधे ही उनको निमंत्रण दिया था कि आप हिमाचल आकर के देखें क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और ख़ास तौर से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ, चाहे स्टेट हाईवेज़ हैं, चाहे नेशनल हाईवेज़ हैं, चाहे फोर लेन्स हैं हमारे NHAI के। तो ऐसे में बहुत बड़ी ज़रूरत इस वक्त है, अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखें तो उन्होंने वो हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज दिल्ली से आ करके पूरा एरियल सर्वे भी किया, जो पूरा कीर्तपुर से लेकर के मनाली तक के पूरा फोर लेन हेलीकॉप्टर से देखते हुए आए और साथ में कुल्लू से यहाँ भुंतर से जा करके मनाली तक बाय रोड सब जगह रुक रुक करके लोगों को भी सुना और लोगों की बात को सुनने के साथ साथ में मौके पर निर्णय किए हैं। और मुझे उनका धन्यवाद करना है कि उन्होंने बहुत बड़ी राशि भी हिमाचल प्रदेश के लिए दी है, CRF के तहत दी है। नेशनल हाईवे के मामले में उन्होंने कहा कि पूरा खर्चा जो भी होगा वो हम वहन करेंगे और NHAI के जो हमारे जो फोर लेन हैं उसके लिए भी उन्होंने कहा कि जो टोटल खर्चा जितना भी होगा उसका मेंटेन करने का, उसकी उसको रिपेयर करने का या अलाइनमेंट चेंज करने की होगी उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम पूरा पैसा देंगे। और इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात को भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल हाईवे के साथ जो दूसरे जो स्टेट हाईवेज हैं उनको भी रिस्टोर करने के लिए पैसा देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और बहुत बड़ी एक उम्मीद थी जिस उम्मीद को उन्होंने पूरा किया है।